मैं बताऊं, संपत्ति जब तक तुम्हारे पास नहीं है तब तक लाने की चिंता का दो, आने के बाद सुरक्षा का दो, सुख कहां है बताओ? एक जगह तो बताओ, आने के पहले कैसे आएगा कैसे आएगा उनका? कई लोग मुझे मिले, पेमेंट नहीं आता था तब भी दुखी था, पेमेंट आ गया फिर बोलते हमारा सब भी कहां रोकू, वो याद नहीं आता है, साला सब छोड़ है, नहीं आया तो भी दुखी, आने के बाद भी दुखी, सुख सुख कहां? अर्थानम अर्जन दुखम अर्जितानम च रक्षणम आये दुखम व्यय दुखम दीकर्थम दुख भाजनम। संपत्ति पाने के पहले चीज लाने का दुख, आने के बाद संभालने का दुख, संभालने के बाद कोई चोर न जाए उनका दुख, व्यय करने के बाद कम न हो जाए उनका दुख, सुख कहां? मावी जी बताओ, थोड़ा तो बताओ, इतने पैसे के पीछे 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में यही चलता है तो कुछ दिखाओ। क्या है सुखी नहीं है ना मेरे कहने से? कि बंगाल में बुद्धि दौड़ाओ, चलो आगे। कोई समीक्षा संसार में कोई भाव नहीं पूछते, पैसा भी ना तो कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं तुम एक बार चेक कर लो इसमें से मैंने सुख क्या पाया। और एक बात, ओपिनियन का सुख नहीं, एक्सपीरियंस का सुख। सारी दुनिया आपको क्या कहती है वो नहीं पूछना चाहता हूं, व्हाट यू फील। आपने बादाम खाई मगर डायरिया हो गया तो बादाम का क्या करना है? सारी दुनिया ने तुम्हारी तारीफ कर दी कि तुम मेरे हाथ में बादाम थी। आपको मालूम मैंने यहां बताया था ना, मैं बैंस्टन की शिविर में एक लड़का था, बैंस्टन की शिविर गुरुदेव भुवन बानु से मैं निश्रा में करीबन 25-30 साल हो गए, एक लड़का था, ये प्रवचन सुन के तो फिर फ्रेंड जैसा हो गया। और एक बार आया, गुरुदेव आपका तो सुख छोड़ो इनकी तो बात, मगर हमारे सुख की बात करें गुरुदेव, क्या है? मैं बोला क्या हुआ पंगा में? मालूम उसने दो जेब दिखा दी, जो जेब में हाथ डाला, बोला क्या करता, पैसा का काम नहीं है? गुरुदेव पैसे की छोड़ो, मैं दूसरी चीज दिखाता हूँ। एक जेब में से बादाम निकाली, दूसरे में से मूंगफली निकाली। मैं बोला ये क्या लेके बैठा है? उसने बोला कुछ नहीं गुरुदेव, जब रोड पे जाता हूँ लोग देखते तक बादाम खाता हूँ, कोई नहीं देते तक मूंगफली खाता हूँ। ये है गुरुदेव हमारा सुख। और आगे की बात बताओ। मैं बोला हाथ में जेब डाल के बादाम निकाल, सब होके 5 बादाम थी, मूंगफली की जेब भरी हुई थी। मैं बोला ये 5 ही बादाम है, 5 ही बादाम, हर संडे नई बादाम लाता है गुरुदेव, आपको मालूम नहीं ये 12वीं शिविर है, पहली शिविर से 5 बादाम ही है, खाता नहीं देखाता ही हूं बस, सामने वाले देखा, क्योंकि रास्ते में तो कोई रुकने वाला तो ही नहीं, एक मिनट में देख लिया बादाम और पूछता है वो बादाम खाता है, बस दैट्स ऑल, सुख हो गया, आगे निकलो। 5 बादाम 12 शिविर से जेब में है, और अगले साल की भी आपकी शिविर होगी, 5 रहेगी। है क्या तुम्हारे पास दिखाने का? ये ना दिखाने का ही सुख है ना, अनुभव का तो सुख है ही नहीं तुम्हारे पास। नंबर 1 जिज्ञासा चाहिए, नंबर 2 समीक्षा चाहिए, नंबर 3 अभिप्सा चाहिए। अभिप्सा, अभिप्सा, जिनको इच्छा नहीं बोलते, बर्निंग डिजायर, उनका नाम है अभिप्सा। एक डिजायर और नंबर 2 बर्निंग डिजायर। मैंने शायद इस चीज का क्लैरिफिकेशन यहां कितने प्रवचन के पहले किया था, व्हाट इज द डिजायर एंड व्हाट इज द बर्निंग डिजायर। आप धूप में आए हो, पानी की प्यास लगी, आप घर में दाखिल हुए, अपने धर्म पत्नी को मुंह लगाई पानी, और धर्म पत्नी अंदर पानी लेने के लिए गई, इनके पहले तुम सोफा सेट पे बैठे और टीवी खुलना था और टीवी में कोई सीरियल आई, आप बैठ गए, पानी भूल गए, आपने पहली आवाज लगाई पानी की, माने प्यास थी, मगर वो पानी आने के पहले आप टीवी के सामने बैठ गए, सीरियल देखने में मशगूल बन गए,
और पानी भूल गए, इनको मैं कहता हूं डिजायर। और रेगिस्तान में तुम हो, धूप जबरदस्त हो, नंगे पैर चलते हो, दोपहर का 12 बजे का समय हो, पानी की प्यास लगी हो, और उसी टाइम आपको कोई डायमंड का व्यापार का सौदा की बात करे कि बंबई आता हूँ, उस टाइम हम 5 करोड़ के सौदा करेंगे, उस टाइम आप यही बोलेंगे सौदा का मार गोली यार, पहले पानी लाओ, मौत आ रही है, रेगिस्तान का धूप, ऊपर सूर्य, नीचे रेती, गर्म पानी की प्यास, कोई पेड़ दिखाई नहीं पड़ता, उस टाइम में सौदा की बात, या मर रहा हूँ, इनको मैं कहता हूँ बर्निंग डिजायर। अभीप्सा का अर्थ है नोट डिजायर बट बर्निंग डिजायर, डिजायर नहीं बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर का अर्थ कि जो आपका गोल है उनके बिना आप सेटिस्फाइड होने के लिए तैयार नहीं है। पानी चाहिए सो चाहिए, 5 करोड़ रुपया की बात अभी करेगा तो फिर करूंगा, कभी पहले पानी लाओ क्योंकि मैं मर रहा हूं। और एक बात बताऊं, हम सबको दीक्षा मिली है डिजायर से नहीं मिली है, बर्निंग डिजायर से मिली है। ये सब साधु भगवान जो अभी नई जनरेशन में, उनका तो एक पुण्य जबरदस्त है कि उन लोगों को इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, नहीं करना पड़ा, इजी गोइंग। आज एक इतना अच्छा युग चल रहा है कि जहां साधु जीवन इजी हो गया, माँ बाप बड़े प्रेम से अपने बेटे को, एक रोता बेटा है तो भी बैंड बाजा के साथ साधु जीवन देते, अभी कोई वो तूफान नहीं है जो 50 साल पहले था। मैं खुद अपने घर से 2 बार भाग गया था, 2 बार, संयम जीवन की रजा नहीं थी, किसी भी हिसाब से वी आर नॉट एग्री टू गिव यू संयम। मेरे गुरुदेव भुवन भानु सुमन ने भाग के दीक्षा ली, प्रेम सुमन ने भाग के दीक्षा ली, रामचंद्र सुमन ने भाग के दीक्षा ली, कांति विजय पन्यास, बहुत मुनि भगवान पुराने 50 साल के पहले करीबन करीबन दीक्षा नहीं होती थी, वो बर्निंग डिजायर, चाहे कुछ भी हो जाए। चंद्रशेखर माने भी भाग के दीक्षा ली थी, भाग के लीमा ने दैट मीन्स वहां तक आया, फिर बड़ी मुश्किल से उनको अनुमति मिली, इट वॉज द बर्निंग डिजायर। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने जीवन में कुछ भी अच्छा करना चाहा या गलत को छोड़ना चाहा, वो डिजायर थी कि बर्निंग डिजायर थी? कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुदेव गुटखा छोड़ना है, डिजायर की बर्निंग डिजायर, डिजायर होगी तो नहीं छूटेगा, बर्निंग डिजायर गारंटी के साथ छूट जाएगा। आप बोलोगे गुरुदेव अभी परमात्मा की पूजा शुरू करना चाहता है, डिजायर से कुछ होने वाला नहीं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पानी की प्यास लगी, बूम थी मगर टीवी की सीरियल आई तो पानी भूल गया। आप कोई डिजायर लेके निकलो, बीच में कोई व्यवधान आ जाएगा, एट्रैक्टिव चीज, अब वो चीज भूल जाएंगे, ठीक है फिर देखता हूँ। बर्निंग डिजायर वाला रुकने का नाम, वो बार बार घूम के वही बात करेगा, उनका क्या है? तुम उनको 2 मिनट तक चीटिंग कर सकते हो, उनको डायवर्सन दे सकते हो, मगर 2 ही मिनट में आएगा, पानी का क्या है? पहले पानी की बात कर। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, नंबर 1 जिज्ञासा, नंबर 2 समीक्षा, नंबर 3 सच बोलो, अभिप्सा की मानसिकता के क्षेत्र में गुरुदेव वासना को खत्म करना चाहता हूं, इच्छा नहीं अभी, गुरुदेव बर्निंग डिजायर। 50-60 साल के बाद गुरुदेव आंख में यही साला विकार, समझ में नहीं पाता हूं मैं हूं कौन, राक्षस हूं गुरुदेव, 3 लड़के का बाप हो चुका गुरुदेव, पूरा संसार देख लिया, परमात्मा की 2-2 घंटा पूजा करता हूं, भगवान की निर्विकार आंखों के सामने देता हूं, फिर भी गुरुदेव आंख यही विकार से भरी हुई, गुरुदेव कुछ उपाय दिखाओ। गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपकी बर्निंग डिजायर होगी, गारंटी के साथ विकार खत्म हो जाएंगे, आपकी शिकायत में भी दम नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, शिकायत में भी दम नहीं है। यदि जिस दिन आपकी शिकायत दम वाली बजाय, दम समझते हो, दम माने एक ताकत, ये 3रे नंबर का स्टेप है। आज हम संयम जीवन में आए, बर्निंग डिजायर, और रिपीट करना चाहता हूं, संयम जीवन का हमारा पालन भी हो रहा है ड्यू टू बर्निंग डिजायर। असादी भगवान ने 35 उपवास का पढ़ना गया, इट वॉज द बर्निंग डिजायर। मुझे पचकान देने में डर लग रहा था, मैं बोलता था कि अभी पालना करो, नहीं गुरुदेव 35 तक तो पहुंच के ही रहोगे, सीधा तो काम नहीं, कुछ तो अंदर अंदर कुछ क्या होगा, अंदर एक स्ट्रगल होगा, अंदर एक बगावत होगी, वो बगावत के सामने आपको टिक जाना है तो इनके लिए आपके पास उसको छोड़ के कोई ताकत नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, इतने दिनों से प्रवचन आप सुनते हो, एक भी अध्यात्म का क्षेत्र आप ऐसा दिखाओ कि जहां आपने बर्निंग डिजायर पैदा की?
जो लोग मेरे पास शिकायत करते ना, वो क्या मालूम है, गुरुदेव प्रवचन तो सुनते ही सब कुछ मन में होता है अच्छा करना, मगर जैसे ही बाहर निकलते कुछ होता नहीं। बोलते कई लोग, वो झूठ नहीं बोल रहे, मगर उनका जो भाव है ना, गुरुदेव कुछ करने का मन होता है वो बिल्कुल इच्छा का प्राथमिक स्वरूप है, बर्निंग तक तो पहुंचने का प्रश्न ही नहीं आता। और जिस दिन पहुंचेगा फिर देखो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और सच बताऊं, मैं अपने आप को कोई दुखी नहीं मानता हूं, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे प्रयास इतने होने के बावजूद आपके हृदय में बर्निंग डिजायर पैदा करने कराने में मैं सफल नहीं बन रहा हूं। हमने ऐसे कई लोग देखे, परमात्मा की पूजा, परमात्मा का मंदिर का निर्माण वो चाहे तपस्या चाहे दान हो वो लेकर ही बैठा है, गुरुदेव एट एनी कॉस्ट ये वो कर ही रहेगा, एनी कॉस्ट, नहीं क्या होगा गुरुदेव। जीवन के इतने साल होने के बाद हम बर्निंग डिजायर के मालिक नहीं बन पाए। लोग मुझे बोलते क्रोध छोड़ना है, मैं बोलना व्हाट यू आर रेडी टू पे, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रेडी टू पे। पंकज भाई ब्रिज कैंडी में जाना है और टॉप डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन कराना है तो सबसे पहले वो प्रश्न पूछेगा व्हाट यू आर रेडी टू पे। आप बोलोगे ब्रिज कैंडी और टॉप डॉक्टर की फीस देने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर डॉक्टर बोलेंगे धर्मादा खाता में चले जाता हूँ, यही बोलेंगे ना। ताज होटल में जाना है और राम भरोसे हिंदू होटल में जाना है, फर्क है कि नहीं, कहीं नहीं, बराबर है ना। ताज होटल आपके लिए खुली है, आप यदि चाहते हो, मगर यू हैव टू रेडी टू पे। बर्निंग डिजायर वाला कुछ भी पे करने के लिए तैयार है, कुछ भी। आप उनको बोलो 15 दिन मेरे पास रहने पड़ेगा, उसने बोला 16 दिन रहूंगा गुरुदेव, 16 दिन मगर मुझे चाहिए। साधु जीवन की इस मस्ती में बताऊं, हमारे एक साधु था, रात को दीक्षा के एक महीने के बाद रात को नींद में जाग गया और जागते जाते रोने लगा। साधु रोवे, बाजू में उनके गुरुदेव सोए थे, इनकी रोने की आवाज सुन के इनके गुरुदेव जाग गए, डर भी गए। एक ही महीना दीक्षा का हुआ था तो फिर उनको पूछा कि रोने का प्रयोजन, माँ बाप याद आ गए, संसार याद आ गया, ऐसा लगता है कि दीक्षा नहीं ली होती तो अच्छी थी, रोता क्यों है, गुरु पूछेंगे सब। और वो साधु ने वो जवाब दिया, गुरुदेव न माँ बाप की स्मृति से रो रहा हूँ, न संसार त्याग किया वो जल्दबाजी में किया, कोई मेरे मन में ख्याल है, एक ही ख्याल है आपके ही मुँह से मैंने सुना था कि दीक्षा लेने के बाद प्रतिदिन आनंद वर्तमान बनता है, मेरा आनंद इतना वर्धमान नहीं हो रहा है, मैं कहाँ चुकता हूँ गुरुदेव, मुझे दिखाओ ताकि मैं आनंद बढ़ाते चलूँ। इट वॉज द बर्निंग डिजायर। चलो आगे, नंबर एक आपको ही बोलना है, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सा माने इलाज। यदि आप डॉक्टर के पास गए सब हो गया, जिज्ञासा भी हो गई, समीक्षा भी हो गई, अभीप्सा भी होगी, एट एनी कॉस्ट गुरुदेव इनका ऑपरेशन में कराना चाहता हूं, अभी चिकित्सा, डॉक्टर ने बोला कि इतना करना पड़ेगा, ऑपरेशन के पहले 3 दिन बिल्कुल भूखा रहना पड़ेगा, रहूंगा, अन्न नली का कैंसर हो चुका है, अभी गुटखा जीवन भर के लिए छोड़ना पड़ेगा, आई एम रेडी, ये चिकित्सा। सच बोलो हमने चिकित्सा के लिए प्रयास कितना किया, जिज्ञासा में सफल हो गए, समीक्षा भी हो गई, अभीप्सा भी हो गई, चौथे नंबर की बात चिकित्सा की बात। दीक्षा के बाद गुरु शिष्य कैसे है चिकित्सा का, वो बोलता है समर्पण होके आप जो बोलो वो गुरुदेव, चिकित्सा, समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं। और आज की जो व्यवस्था बन गई है करीबन करीबन, उसमें कंट्रोल का पावर करीबन खत्म हो। एक समय था पंकज भाई, मैं दीक्षा नहीं ली थी, टाइफॉइड यदि होता ना, टाइफॉइड तो सीधी बात बता दी कि 21 दिन का वो बुखार है, 7, 14 और 21 दिन का, और उस टाइम पेट में कुछ नहीं डालना, मौसम्बी का जूस सजेस्ट करते थे,
आज वो टाइफॉइड अलग आ गया, टाइफॉइड वो ही रहा, मगर जो ट्रीटमेंट की व्यवस्था ही ना। आप टाइफॉइड के बीच में डॉक्टर को पूछो कि 21 दिन खाना नहीं है, वो बोलेगा कल से श्रीखंड खाओ, श्रीखंड भी खाओ हमारी दवा भी खाओ, कोई चिंता मत करो। एलोपैथी में नियंत्रण नहीं, आयुर्वेद में नियंत्रण है। आयुर्वेद यही बोलेगा ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा लोग आयुर्वेद इतना प्रिफर नहीं करते जितना एलोपैथी प्रिफर करते। क्यों? तुरंत हो गया ना, और कोई नियंत्रण तो ही नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, चिकित्सा के लिए आपकी मानसिकता कितनी? महावीर जी कितने दिन से यहाँ हूँ मालूम है? करीबन 100 दिन हो गया ना, करीबन। नीलेश हो गया 100 दिन करीबन। अभी मैं आपको इतना कहूँ, 100 दिन तुम आउटडोर पेशेंट बने फिर भी ठिकाना नहीं पड़ा, अभी 10 दिन इंडोर पेशेंट बन जाओ। 10 दिन हाँ ओके, यहाँ ही रहना, घर पे जाना ही नहीं। इंडोर पेशेंट का अर्थ वही है ना, डॉक्टर के हाथ के नीचे रहना। क्या हो गया? जगह इतना बड़ा उपाय, ये हॉल है, जगह क्या कम पड़ेगी, गद्दी लेके सो जाना। इंडोर पेशेंट बनने के लिए तैयार चिकित्सा। डॉक्टर भी बोलते हैं ना कि ये दर्द ऐसा है कि यू मस्ट हैव टू हॉस्पिटलाइज। आप इनको बोलो कि डॉक्टर घर पे रह के सब कुछ करो ना, मशीन लाओ, ग्लूकोज नहीं, यहाँ जितनी अच्छी ट्रीटमेंट होगी उतनी तुम्हारे घर पे नहीं होगी। 100 दिन तक तुमको आउटडोर पेशेंट बना के मैंने सोचा कि मरीज अच्छा हो जाएगा, मगर कुछ अच्छा नहीं, बिगड़ता रहता है। अभी लगता है इंडोर पेशेंट ही बनाना पड़ेगा। सच बोलो, चिकित्सा के लिए तैयारी कितनी? क्या है पर्यूषण में तुम छोड़ो यार, वो भी जनरल वार्ड में थे, मैं तो चाहता था ICU में हो। तैयारी है चिकित्सा की। मैंने भी गुरुदेव को बोला था, गुरुदेव आप धर्म की बात करते हो, मैं संसार में रहकर सब कुछ करूंगा, तो गुरुदेव ने बोला वो आउटडोर पेशेंट में कुछ नहीं होगा, आत्मकल्याण निश्चित तौर से करना है तो चारित्र लेना पड़ेगा। इंडोर पेशेंट बन गए और आ गए, वी आर हैप्पी। चौथे नंबर की कंडीशन चिकित्सा के लिए मानसिकता कितनी? क्या लगता है पंकज? चार में से आपको क्या लगता है, नंबर 1, 2, 3, 4 भी, पांचवी बात में करना चाहता हूं, चार में कहां हो? जिज्ञासा, समीक्षा, अभिप्सा और चौथे नंबर का स्टेप चिकित्सा। क्या है सब पहली बार? तुम जैसे श्रोता भी मुझे पहली बार ही मिले हैं। पहली बार सुनी के फिर दूसरी बार सुनी, मैं जो बोलता हूं यदि आपकी खोपड़ी में बैठता था, मुझे हाँ बोलो ना बोलो, यू आर रेडी टू इंडोर बी इंडोर पेशेंट। अकेले इंडोर पेशेंट की बात नहीं मैं बताऊं आपको, यदि आप ये चाहते हो कि गुरुदेव परमात्मा के दर्शन करने के बाद आंख में से विकार खत्म होनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट देता हूं, एक काम करो, 2 महीने के लिए टीवी बंद करो, पिक्चर बंद करो, थिएटर बंद करो, ये चिकित्सा। यू रेडी? कई लोग को मैं कुछ कहता हूं, गुरुदेव ये तो नहीं होगा, हमने घर पे जा। लोग तो मेरे पास आते तो सीधा क्या मालूम है, वो पक्का करना चाहते। मैं कभी कभी बोलता हूं एक काम करो गुरुदेव, मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, मैं बोलता हूं ये मंत्र गिन, गुरुदेव हो जाएगा अच्छा, शुरू तो कर यार। कोई डॉक्टर भी तो तुम्हें गारंटी नहीं देता है ना कि ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो बोलेगा पहले आ जा फिर देखता हूं, मगर यहां तो लोग आते तो हर चीज की गारंटी लेना चाहते हैं। आपके कहने से गुरुदेव करूंगा मगर होगा ना। कल एक लड़के का मेरे पे पत्र है, वो सब उसने बताया गुरुदेव दीक्षा लेने का मन है मगर गुरु की डेफिनेशन क्या? मैं बोला फिर घर पे भी अशांति, शिष्य की डेफिनेशन क्या पूछे तो बराबर है, गुरु की डेफिनेशन पूछने लगा।
नहीं ऐसे खोपरी बात, तुम बात क्या करना चाहते हो और पूछता क्या है, ये तो मैंने शॉर्ट में तुम्हें बताया। उसने तो मुझे पूछा ऐसे गुरु हिंदुस्तान में कहां मिलते, मैं ढूंढने के लिए निकलूं। हाँ एक लड़का था, वो 25 साल 27 साल 28 30 32 साल की उम्र तक उनकी शादी नहीं हुई, तो इनके मित्र ने पूछा यार साधु बनने का भाव है, किसने पूछा, किसने बोला साधु बनने का भाव है, शादी करना है, तो फिर उसने बोला यार एज 32 हो गई कब करेगा, उसने बोला मिलनी तो चाहिए ऐसी लड़की, फिर उसने बोला क्यों नहीं मिलती है, और उसने जो लड़की का फिगर बताया ना उनके दिमाग में जो था ना ऐसा आंख ऐसी पैर ऐसे कान ऐसे हाथ ऐसे, ऐसी लड़की जब तक नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करूंगा। इनका मित्र भी टॉप था, उसने बोला यार इतना बड़ा हिंदुस्तान इतनी बड़ी दुनिया ऐसी लड़की नहीं मिले पॉसिबल है, मिलती होगी, उसने बोला तेरी बात सही है। 15 दिन के पहले ऐसी लड़की मिल गई, मुझे सर्वांग सुंदरी लड़की पसंद है, सर्वांग सुंदरी, और ऐसी लड़की 15 दिन के पहले मिली, मैं तैयार भी हो गया, मगर लड़की ने बोला मैं सर्वांग सुंदर पुरुष चाहती हूं, ये रिजेक्ट करती हूं, मैं भी तो क्या करूं। दीक्षा लेने वाला चाहता है कि सर्वांग सुंदर गुरु मिले, मैं सर्वांग सुंदर शिष्य बनूं, वो इनकी डेफिनेशन ही है। अच्छा रहे खोपड़ी बाजे से बोल मिल जाते हैं। पांचवें नंबर की बात, लास्ट नंबर एक जिज्ञासा, नंबर दो समीक्षा, नंबर तीन अपीप्सा, नंबर चार चिकित्सा और नंबर पांच प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, यू हैव टू वेट, प्रतीक्षा। हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद डॉक्टर बोल सकते कि तुम्हारा केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि 3 महीने तक तो कम से कम रहना पड़ेगा, फिर कुछ हो सकता है, और आप ये बोलो कि डॉक्टर साहब मुझे तो 3 दिन से ज्यादा का समय नहीं है, तो डॉक्टर फिर बोलेंगे यू गो होम। पूजा करो, प्रतिक्रमण करो, सामयिक करो, अयम्बिल करो, प्रवचन सुनो, दान करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप बोलते हो गुरुदेव इनका रिजल्ट का अनुभव कब होगा, और गुरुदेव होते पांचवें नंबर की कंडीशन प्रतीक्षा, यू हैव टू वेट फॉर दिस। और कई लोग अच्छे अच्छे साधक पांचवें नंबर के स्टेप में टूट गए। एक गुजराती पंक्ति बोलूं और आपको पता चलेगा, जिंदगी वाटे नथी किस्मत उतावण कामनी, जिंदगी वाटे नथी किस्मत उतावण कामनी, समझे मावी जी गुजराती, जिंदगी वाटे मानी जिंदगी के इस रास्ते पर, जिंदगी वाटे नथी किस्मत उतावण कामनी, उतावण माने जल्दबाजी, जिंदगी का ये रास्ता जल्दबाजी का रास्ता नहीं है, मार खाएगा। जिंदगी वाटे नथी किस्मत उतावण कामनी, चालनारा पहुंच से न दौड़नारा थाक से, चलने वाले पहुंच जाएंगे और दौड़ने वाले गिर जाएंगे, ये क्रिटिकल पोजीशन है। जिंदगी के इस रास्ते पर जल्दबाजी करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला कहीं पहुंचेगा, मगर दौड़ने वाला तो निश्चित तौर से कहीं गिर जाएगा। यह है स्पिरिचुअल जगत का दिमाग में न बैठा ऐसा मैथमेटिक्स। हम आज दीक्षा का भले मुझे 47 साल हुआ, या बैठने वाले जो भी जितने भी साल हुए, बट वी ऑल आर रेडी टू वेट। गुरुदेव आपने बताया था संयम जीवन के पाने के बाद इतनी मस्ती आएगी, अभी नहीं आ भी रही है, बट वी आर रेडी टू वेट फॉर दिस। आने वाले दिनों में 1 साल 2 साल 5 साल 15 साल या तो अगले भव में भी ये मस्ती आएगी आएगी, गारंटी के साथ आएगी। ये 5 चीज यदि आपके पास आ जाए, मैं निश्चित कहूँगा आपको लगेगा कि गुरुदेव इतना मार्ग क्लियर कट, और हम जानबूझकर के बेवकूफ बन के संसार के जंगल में भटक गए। लास्ट बात, प्रवचन समाप्त हो इनके पहले 5 स्टेप आपके मुंह से बुलवाना चाहता हूँ। नंबर 1 सब बोलेंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 चिकित्सा, नंबर 5 प्रतीक्षा। यही प्रतीक्षा का मार्ग जिस दिन हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, फिर क्या कमाल हो सकती है।
आचार्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहूणं एषो पञ्चनमुकारो सम्भवपणासन मङ्गलानं च सम्भेसिं परमो वै मङ्गलम् नमो दुर्वारगदिवैरिवारनिवारिणे अर्ते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीवजोणि व्याणो जगगुरु जगानन्द जगनाहो जगबन्धु जय जगपिया महोभैव जय सुवाणो भव तितैराणवच्छिमो जय जय गुरुलोकाण जय महाबा महावीरो ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमावै पमवनिसेमियाय ओं क्लीं ब्रीं मा सिद्धिं करेव श्रीवास जगनाओ अज्ञानतिमिरांदन ज्ञानंजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दुख दुखादि भी प्राणीनाम उत्कर्ष अपकर्षौ धर्मा धर्मयोः लिंगम। अनंत उपकारी शास्त्रकार ब्रह्म से पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूरीश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ में अगली कड़ी के सूत्र में हम जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आज आपसे करना चाहता हूं, कहीं भी आपको कार्य का दर्शन हो वहां आपकी आंखों को दिखाई पड़े न दिखाई पड़े कारण होना अति जरूरी है। बिना कारण कहीं कार्य होता ही नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट। आप कहीं भी देखो, मे बी पॉसिबल आपको कारण का दर्शन हो जाए और कभी कारण का दर्शन न हो, मगर कार्य है तो कारण निश्चित तौर से होना चाहिए। आज वो कड़ी में आचार्य भगवान एक बात वो करते हैं, आपके जीवन में यदि दुख है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया हुआ पाप कर्म उनकी वो डिक्लेरेशन करता है। यदि आपके जीवन में सुख है तो निश्चित तौर से किसी न किसी जन्म में आप में अच्छा निश्चित तौर से किया है। यदि वो कारण नहीं होता, आज आपके जीवन में सुख नहीं मिलता और वो गलत कारण नहीं होता, आज आपके जीवन में दुख नहीं आता। एक छोटा सा प्रश्न इसमें आगे जाने के पहले आपको पूछना चाहता हूँ। जन्म के पहले दिन से एक लड़का अबजपति बन जाता है और एक लड़का भिखारी ही रहता है। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, यदि आपके मन में एक चीज़ है कि मेरे पुरुषार्थ से मेरी बुद्धि से मैंने सब कुछ पाया है, तो अबजपति के घर में जन्म लेने वाला बेटा पहले दिन से ही अबजपति बन जाता है और भिखारी के घर में जन्म लेने वाला बेटा पहले दिन से ही भिखारी बन जाता है। आपको पूछना चाहता हूँ, उसने क्या गलत किया और अबजपति के घर में जन्म लेने वाले बेटे ने क्या अच्छा किया? आपके पास ये समाधान है तो मैं जानना चाहता हूं, नहीं तो फिर आगे चलना चाहता हूं। आप मुझे बताओगे, यदि आप पुण्य और पाप को नहीं मानते हो, ओके, इनका जवाब आपके पास क्या है? यदि आपको धुआं दिखाई पड़ता तो कहीं ना कहीं अग्नि है, आपको दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, मगर बिना आग धुआं कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में आज दुख है तो मे बी पॉसिबल कई लोग मेरे पास आते हैं, महाराज साहब जिंदगी में मैंने किसी साथ गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, झूठ नहीं बोला, फिर भी महाराज साहब मेरे जीवन में दुख क्यों है? ये शिकायत करने वाले बहुत लोग हैं। महाराज साहब पूरी जिंदगी भर तक सभी का समाना, फिर भी न मालूम कहाँ से दुख आता है। ये होता है,
इनके लिए शास्त्रकार ये समाधान देते, यदि आपको सुख दिखाई पड़ता है तो निश्चित तौर से किसी जन्म में आपने धर्म किया है, और यदि आपको महसूस हो रहा है कि मेरे जन्म में दुख बहुत है, पाप कहीं ना कहीं किया है, आपको यदि शंका है तो पूछो, नहीं तो आगे जाना चाहता हूँ। ये कंसेप्ट 100% क्लियर करो, बिना पाप दुख आता ही नहीं है और बिना धर्म सुख मिलता ही नहीं। सुखम धर्मात दुखम पापात। सारे दुनिया के धर्म का ये कॉमन एजेंडा है, धर्म यदि तुम्हारे पास है निश्चित तौर से सुख आने वाला ही है, और यदि तुम्हारे पक्ष में पाप है तो निश्चित तौर से दुख आने वाला है। चलो आगे। आपके मन में ये शंका बिल्कुल पक्का, तो अभी मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सुख को रिजर्व करने के लिए सुख के पीछे पागल बनना है कि धर्म के पीछे पागल बनना है? यदि आपको एक बात बताऊं, कारण हाजिर करो, कारण कार्य को हाजिर होना ही पड़ेगा। यदि आपने कारण को पकड़ लिया तो कार्य तो आना ही आना, उनको लाने के लिए तुम्हें प्रयास कभी नहीं करना पड़ेगा। आपकी बात समय बताऊं, आपको मालूम होगा सुई जहां जाती है वहां धागा जाता है ना, धागा को ले जाना नहीं पड़ता है। आप सुई को आगे ले जाओ, धागा इनके पीछे चले आएगा। आप धर्म को आगे ले जाओ, सुख इनके पीछे चले आएगा। आपके मन में ये भाव है तो 100% कहीं ना कहीं दुख आता है। आपके पास ये समाधान है कि गुरुदेव किसी भी जन्म में पाप किया है, इसके बिना दुख गारंटी के साथ नहीं आता। लाभ भोग के पहले किया हुआ पाप भी आज उदय में आकर के दुखी कर सकता है। जिनको लगता है ना कि महाराज साहब मैंने मेरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया फिर भी दुख क्या आया, उनको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, एक बार भगवान महावीर का जीवन आंखों के सामने रख लेना। जन्म से लेकर के निर्वाण पाया वो तो छोड़ो, मगर जन्म से लेकर के जब तक केवल नहीं पाए तब तक भगवान के मन में, काया में तो भगवान ने पाप नहीं किया, वचन से तो परमात्मा ने पाप नहीं किया, भगवान ने मन से भी किसी का गलत सोचा नहीं, फिर भी मेरे और आपके जीवन में जितने दुख नहीं आए हैं उससे अबज गुना दुख परमात्मा के जीवन में आए थे। आप यदि आपके लिए सोचते हो महाराज साहब मैंने कुछ भी किसी का बिगाड़ा नहीं फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों, यदि आपके मन में ये प्रश्न उठता है उसी टाइम भगवान महावीर को आंख के सामने ला जाओ। भगवान महावीर ने खुद के जीवन में किसी का बिगाड़ा तो नहीं था, मगर किसी का बिगड़ जाए ऐसा सोचा भी नहीं था, फिर भी भगवान के जीवन में इतने दुख क्यों आए, आपको पूछना चाहता हूं। क्या जवाब है आपके पास? मानते हो? माने एक बात पक्का है महाराज साहब, भगवान महावीर ने किसी के लिए गलत नहीं सोचा था, फिर भी कहीं 17वां भाव में, कहीं तीसरे भाव में, कहीं ना कहीं जाने अनजाने भी परमात्मा के इस हाथ से कोई पाप हो गया होगा, इनके बिना भगवान के जीवन में दुख नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। यदि परमात्मा के लिए हमारा ये समाधान है, हमारे लिए ये समाधान क्यों नहीं है? सच बोलो, विश्वास के साथ तुमने बिजनेस किया, 25 साल से जो तुम्हारा पार्टनर रहा वही पार्टनर ने तुम्हें साथ धोखा दे दिया और तुम्हारा 1 करोड़ का पेमेंट डुबा दिया। आपने कभी भी सोचा महाराज साहब यदि ये पार्टनर बोगस होता, बदमाश होता, तो महाराज साहब 25 साल तक बिजनेस रियली सीधा कैसे चलता? मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो पार्टनर ने 25 साल से तुम्हारे साथ धोखाखड़ी नहीं की, सीधे सीधा चला, आकस्मिक उसको धोखा देने का आपको मन क्यों हुआ? क्यों हुई? 25 साल तक इतना भरोसा था, अब जो रुपये का वहीवट होता था, मगर कभी इनके मन में ये भाव नहीं आया, आज ही क्यों आया? माने ये मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये हृदय से बोलते हो कि माने जबान से बोलते, हृदय से मानते हो? आपके पास तर्क नहीं है इसलिए जवाब मत देना, आप बिल्कुल ये लॉजिकली आप यदि मानते हो, मैं आपको सीधा पूछना चाहता हूँ, आप रास्ते से जा रहे हो बराबर है, एक मंडप है और मंडप में स्टेज पे 30 साल का लड़का खड़ा है और पंक्ति में लोग आकर के उनको गले में माला पहना रहे,
पीठ थपथपा रहे, मोमेंटो दे रहे, 5-10 लाख रुपए का अवार्ड दे रहे, सच बोलो आप इनके लिए वो लड़के के लिए क्या सोचेंगे? अजीत क्या सोचेंगे? कुछ अच्छा बराबर आपने देखा नहीं? आपने क्या देखा? इनका सम्मान होते हुए आपने देखा, मगर वही रास्ते पे आप निकले तो आप सीधा बोलेंगे दूसरे को, यार कमाल, मैं लड़के को पहली बार देखा, क्या अच्छा किया मालूम नहीं है, मगर कुछ अच्छा किया होगा। 100-100, 200-500 लोगों को इकट्ठा होने के बाद इनका बहुमान करने का मन होता है तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ तो अच्छा किया है, बराबर। आपने देखा नहीं है, फिर भी आपने उनकी प्रक्रिया को देख करके अनुमान लगाया, ओके। अभी दूसरा चित्र, ऐसा लड़का, 100-100 लोग उनको चाटा मार रहे, कोई लात मार रहे, कोई कुछ कर रहे, सच बोलो आपने उसको कुछ गलत करके भी देखा नहीं है, मगर वो लड़के को देख करके आपके मन में ख्याल क्या आएगा? हाँ ओके, क्यों आपने देखा? हाँ बराबर है, आपने देखा कि वो मार खा रहा है, चाहे मैंने उनको गलत करते हुए देखा नहीं देखा है, मगर गलत नहीं किया होता तो निश्चित तौर से उनको मार नहीं मिलती, और यदि अच्छा नहीं किया होता तो मैंने देखा या नहीं देखा उनका सम्मान गारंटी के साथ नहीं होता, बराबर है ना? तो क्या हुआ, किसी के जीवन में दुख को देखो, अपने जीवन में दुख को देखो, तब एक पत्ता लगा दो, यदि मेरे जीवन में दुख है तो कहीं ना कहीं, मुझे मालूम है या नहीं है, मगर मैंने कहीं ना कहीं तो गलत किया है, किया है, किया है, और यदि कोई भी पुरुषार्थ किए बिना आपको सुख ही सुख मिलता है तो अपने पर अहंकार मत करना, ये मान लेना किसी भी जन्म में मेरे हाथ से कुछ तो अच्छा हुआ है, इनके बिना ये सुख नहीं मिलता, सच बोलो ये लॉजिक आपके मन में बैठता है क्या? क्या हुआ? एकदम हार्डली। और एक बात बताओ, क्या होगा इससे, यदि मेरे पाप कर्म के उदय बिना मुझे कोई दुख दे नहीं सकता, ये सोच आपकी समाधि को स्थिर कर देगी। गत जन्म में धर्म किए बिना मुझे सुख नहीं मिलता, ये सोच आपके समर्पण भाव को स्थिर कर देगा। रिपीट करना चाहता हूं, दुख में समाधि, सुख में समर्पण भाव, यदि आपको लाना है, इनके लिए दो क्षेत्र को छोड़ के बाकी कोई विकल्प नहीं है। यदि मेरे ही पाप कर्म के उद्देश्य से मुझे दुख आता है, ये सोच आपकी समाधि को स्टेडी कर देगी, और जो भी मुझे सुख मिला है धर्म के हिसाब से मिला है, तो आपका समर्पण भाव धर्म के प्रति निश्चित तौर से बना रहेगा। जानना चाहता हूं, सच बोलो, जबान से नहीं, आपको मन में ये बिल्कुल पक्का लगता है, आज जो भी जीव, जो भी क्षेत्र का सुख मिला है, वो सुख के पीछे धर्म का बैकिंग है और गारंटी के साथ है, आपको क्या लगता है? तो अभी 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 मुझे बता दो, आपका आपका जो अभी का व्यवहार है वो धर्म बढ़ाने का है कि सुख बढ़ाने का है? क्या गप मारते हो यार? सच बोलो क्यों? फिर माली को जब भी फल चाहिए वो जड़ को संभाल लेता है, वो नीचे जड़ है उसमें पानी डालते रहता है, उनको पूछो यार ऊपर फल आता है नीचे मेहनत क्यों करता है, वो बोलेगा ये नीचे की मेहनत ही तो ऊपर फल लाती है, यदि उनको मैं खाद नहीं देता, उनको पानी देता, उनको संभाल नहीं लेता तो ऊपर फल कहाँ आने वाले हैं? माली को इतना भरोसा है कि ऊपर फल तब ही आता है यदि जड़ को पानी खाद दे दो तब, तो धर्मी आत्मा को ये पता है सुख तो तभी मिलता है जब धर्म को संभाल लो तब, यदि वो ही संभाले नहीं तो सुख कहां से मिलेगा? अब भले बोलो मगर हृदय से नहीं बैठता है, दुख में धर्म यदि कभी ना कभी याद आता है, मगर सुख में धर्म कितनी बार याद आया? दुख में धर्म और भी याद आता है, मगर सुख में धर्म कितनी बार याद आया? सच बोलो क्यों नहीं? यदि आपको मालूम है कि धर्म बिना सुख नहीं मिलता तो सुख में धर्म याद नहीं करते क्या?
करीबन करीबन सुख में धर्म हम भूल जाते हैं, और जैसे ही दुख आता है उसी टाइम छोटे बेटे को माँ ने पूछा कि रात को सोते वक्त भगवान का नाम लेता है, सुबह उठते वक्त भगवान का नाम लेता है? बेटे ने बोल दिया जरूर, क्या है अंधेरा ही कहाँ है कि नाम लो भगवान का। तुम समझे ना, बेटा रात को भगवान का नाम इसलिए रहता है, वो अंधेरे से डरता था। उसने बोला सुबह तो उजाला हो गया, भगवान की क्या जरूरत है। यही है ना, दुख का अंधकार तुम्हारे जीवन में आता है तब तुम परमात्मा को याद करते, मगर सुख का प्रकाश जब तुम्हें मिलता है भगवान कहाँ चले जाते मालूम ही नहीं। मैं आपको इतना ही पूछना है, सुख के समय में धर्म कितना याद किया? यदि आपकी श्रद्धा ये सॉलिड है कि बिना धर्म सुख नहीं मिलता है, और अभी भी मुझे जो सुख धर्म सुख मिला है वह धर्म के ही प्रभाव से मिला, यदि आपकी श्रद्धा पक्की है तो इतना बोलो सुख में धर्म कितनी बार याद किया? क्या है 24 घंटे क्यों नहीं? तुमने ये बोला कि घर से बाहर निकलता हूं तो ऑक्सीजन लेता हूं, बाकी नहीं लेता हूं, तो अर्थ ही निकल जाए फिर तुम्हारी। धर्म दवाई है, खुराक है कि ऑक्सीजन है? दवाई जब लेना पड़ता है तब लेते, खुराक भी 24 घंटे नहीं लेते, ऑक्सीजन तो एक एक मिनट। आपको मालूम है कि इनके बिना तो मेरा जीवन ही नहीं चलता है। ये जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी तब तक बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लाखों लोग बेचारे टूट गए, महाराज साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बावजूद भी मेरे जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, वो समाधान चाहते हैं, क्या क्या करूं महाराज साहब, हर क्षेत्र में मार खा रहा हूं। मेरे बाजू वाला महाराज साहब बदमाश होने के बावजूद आगे निकल जाता है, मैं अच्छा होने के बावजूद भी मार खा रहा हूं। ये लाखों लोगों की समस्या है, ये होता है कि नहीं? सच बोलो, फिर समाधान क्या कर दे रहा? तुम एक नंबर के सज्जन होने के बावजूद भी तुम दुखी हो, और आपके बाजू वाला एक नंबर का दुर्जन होने के बाद सुखी हो, यदि आपको वो दिखाई पड़ता है आप समाधान क्या करते हो मुझे बताओ ना। खोखला जवाब नहीं चाहिए मुझे। आप सज्जन होने के बावजूद भी दुखी हो, और सामने वाला दुर्जन होने के बावजूद भी बहुत सुखी है, उनको देख करके आप समाधान क्या करते हो? क्या माने आपके मन में चुभन नहीं पैदा होती ना? ये तो यहां जवाब तुम देते हो, बाजू वाला मिल जाता बोलता है भगवान तेरे राज में सारा अंधेरी अंधेरे, एक नंबर का चोर और मेरे से आगे निकल गया, मैं इतना सज्जन मार खा रहा हूं, यही तुम बोलते हो ना गायल? हो गया ना, माने आप वो लॉटरी वाले के पास जाकर के नहीं बोलेंगे कि बेवकूफ एक नंबर का सज्जन में हूं और ये चोर इनको कैसे लगाया, पूछेंगे शिकायत करेंगे? नहीं, आप परिणाम को स्वीकार कर लेंगे क्या? क्यों आप बोलो महाराज साहब लॉटरी थी, लॉटरी किसी को भी लग सकती है, वहां सज्जन दुर्जन का प्रश्न नहीं है। समझ में क्या कहना चाहता हूँ, लॉटरी की टिकट में महाराज साहब सज्जन दुर्जन का प्रश्न नहीं आता है। एक नंबर के डाकू को भी लग सकती है और एक नंबर के सज्जन को भी नहीं लग सकती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, सुख और दुख वो लॉटरी है, वहां सज्जन दुर्जन की चिंता मत करना। जिसके पास पुण्य का बैकिंग होगा वो एक नंबर का दुर्जन होगा फिर भी सुखी होगा, और जिसके पास पुण्य का बैकिंग खत्म हो गया वो निश्चित तौर से कितना भी अच्छा होगा वो दुखी होते ही रहेगा। आपके पास कोई लॉजिक है तो मुझे रोको, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं। अभी तो मैं आपको इतना, यदि ये श्रद्धा आपकी, मेरी श्रद्धा सॉलिड है, सॉलिड, नो वन कैन चैलेंज एज अवर फेथ। जब भी दुख आता है एक ही बात, कहीं ना कहीं किसी जन्म में गड़बड़ की है, बस आया है, ओके सहन कर लो और दुख को खत्म करो, पाप को खत्म करो। यदि आपके मन में ये श्रद्धा स्थिर होती तो मैं आपको दो ही रास्ते से बता देता, यदि आपके मन में ये श्रद्धा स्थिर होती तो आप गारंटी के साथ धर्म बढ़ाते चलते और पाप कम करते चलते, दूसरा कोई का।
आप ये मानते कि महाराज साहब धर्म से सुख और पाप से दुख, ये श्रद्धा आपकी होती तो धर्म बढ़ाते चलते, पाप कम करते चले। यदि धर्म कम करते हैं